नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, Flipkart की तरफ से एक और नया अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली मैंने अपने मेल में देखा कि एक Flipkart की तरफ से मेल आया हुआ है, अटेंशन रिक्वायर्ड इम्पॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग द HSN कोड नो मोर। और इस मेल में मेंशन है, डियर सेलर ग्रीटिंग्स फ्रॉम Flipkart, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द नेशनल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड अ क्रूशियल चेंज रिगार्डिंग सबमिटेड HSN कोड्स इफेक्टिव फ्रॉम December 15, 2023। द नेशनल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट 4-डिजिट HSN कोड। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 4-डिजिट HSN कोड को एक्सेप्ट नहीं करेगा 15 दिसंबर 2023 के बाद से। तो इसीलिए टू एंश्योर सीमलेस टैक्स कंप्लायंस, तो आपको टैक्स रिलेटेड कुछ भी इश्यूज ना हो बाद में, एंड अवॉइड एनी डिसरप्शंस टू योर ट्रांजैक्शंस, इट इज़ क्रूशियल टू अपडेट योर HSN कोड टू द न्यू 6-डिजिट फॉर्मेट। तो अगर आपने अपनी लिस्टिंग में 4-डिजिट HSN अपडेट किया हुआ है तो उसे इमीडिएट बेसिस पर 6-डिजिट HSN में कन्वर्ट कर लें। काइंडली अपडेट योर HSN कोड टू द न्यू 6-डिजिट फॉर्मेट फ्रॉम द माई लिस्टिंग पेज फ्रॉम द सेलर डैशबोर्ड। नोट, योर ई इनवॉइसिस माइट नॉट गेट क्रिएटेड ड्यू टू दिस इशू, हेंस काइंडली एक्ट ऑन दिस ऑन प्रायोरिटी। देखिए, ये मेल मुझे भी रिसेंटली रिसीव हुआ है और मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा इसके बारे में जल्द से जल्द आप सभी को बताना चाहिए और इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आप एक बार अपने CA के साथ इसके बारे में जरूर डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि उनको इसके बारे में जरूर पता होगा। और मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें कोई क्राइटेरिया है कि कोई पर्टिकुलर स्लैब के टैक्स पेयर के लिए ही ये एप्लीकेबल है या फिर ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो मैंने भी अभी इसमें R&D नहीं किया है, तो मुझे भी एक बार चेक करना पड़ेगा। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं तो आपको बता दूंगा। बाकी अभी जस्ट मैंने आपकी नॉलेज में डाल दिया है कि एक ये अपडेट आया है जिसमें आपको HSN कोड जो है वो अपडेट करने हैं, वरना आपको ई इनवॉइस जब आप क्रिएट करोगे तो उसमें इशू आ सकता है। और बाद में हो सकता है जब आप ITR रिटर्न भी फाइल करो इस फाइनेंशियल ईयर की, तो बाद में आपको इश्यूज हो। तो इस वजह से आपको ये अपडेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अभी की अभी आप एक बार अपने CA के साथ जरूर डिस्कस कर लेना। बाकी इसके रिगार्डिंग जो डिटेल्ड वीडियो है मैं आने वाले टाइम में बना दूंगा कि ये किस पर्टिकुलर टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है। बाकी अभी ऐसा कोई अपडेट हमें अमेजोन और मीशो की तरफ से भी नहीं देखने को मिला है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में हमें उनकी तरफ से भी मेल रिसीव हो जाएंगे, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो बस इस वीडियो में मुझे यही सब बताना था, एक छोटा सा अपडेट था लेकिन बहुत क्रूशियल अपडेट था, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ, थैंक यू।